पाकिस्तान तो साल 1947 में ही अलग अलग हो गए थे, लेकिन कश्मीर मुद्दा आजादी के 71 साल बीत जाने के बाद भी हल नहीं हो पाया है। अभी हालात भारत के फेवर में हैं। भारत ने खुद को इतना मजबूत कर लिया है कि वो किसी भी युद्ध के लिए तत्पर तैयार है। लेकिन 20 साल पहले आज के ही दिन जो कारगिल युद्ध हुआ था, उसकी वजह थी कश्मीर और उसके आसपास के इलाकों में हो रही पाकिस्तानी सैनिकों की घुसपैठ, वो भी शस्त्रों के साथ। जहां नापाक पाकिस्तान धोखे से हिंदुस्तान का सीना छलनी करने की फिराक में था, वो भी तब जब तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी पड़ोसी देश पाकिस्तान से रिश्ते सुधारने के लिए कई पहल कर चुके थे। लाहौर तक की बस यात्रा की, बस से उतरकर नवाज शरीफ को गले से लगाया था और कश्मीर मुद्दे को बातचीत के जरिए सुलझाने का फैसला भी सुनाया। वाजपेयी जी ने पाकिस्तान की आवाम से कहा था, टुगेदर लेट्स मेक अ न्यू बिगिनिंग, फॉरगेटिंग द बिटरनेस ऑफ द पास्ट। लेकिन पाकिस्तान के सैनिक तो कुछ और ही मंसूबे पाले बैठे थे। लाहौर पर दोनों देशों के बीच हुए समझौते से पहले ही पाकिस्तानी सेना कश्मीर में घुसपैठ कर चुकी थी, यानी कि भारत की ऐसी चौकियों पर कब्जा जो भारतीय सेना सर्दियों में खाली कर देती थी। पाकिस्तान के इस चाल में जो सबसे ज्यादा सक्रिय थे वो थे पाकिस्तान सेना के प्रमुख जनरल परवेज मुशर्रफ। लेकिन भारत की शक्ति को नजरअंदाज करने की जो भूल परवेज मुशर्रफ कर गए थे, उनकी साजिश के पहले चरण में ही उन्हें मुंह की खानी पड़ी। पाकिस्तान तो उनके सैनिकों को कश्मीर उग्रवादी करार दे रहा था, वो ये मानने के लिए कतई तैयार नहीं था कि वो पाकिस्तानी सैनिक ही है। घुसपैठियों के बारे में पता चलने के बाद वाजपेयी सरकार ने पाकिस्तानी सैनिकों को अपने देश से खदेड़ने का फैसला लिया और एयरफोर्स और सेना को युद्ध में शामिल किया। साथ ही दुनिया के सामने पाक सैनिकों के भारत में मौजूदगी के पुख्ता सबूत भी पेश कर दिए, जिसके बाद पाकिस्तान ने उस कहावत को चरितार्थ किया कि एक तो चोरी और ऊपर से सीना जोरी। पहले तो पाकिस्तान अपने ही सैनिकों को अपना मानने से इनकार करता रहा और साथ ही भारत को धमकाता भी रहा कि अगर भारत ने इसी तरह युद्ध को बढ़ावा दिया तो वो अपने किसी भी हथियार का इस्तेमाल करने से पीछे नहीं रहेगा। किसी भी हथियार से पाकिस्तान का यहाँ मतलब न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल था। ये पाकिस्तान का भारत के नेतृत्व को डराने का प्रयास था, जो कि खोखला ही साबित हुआ। और जब ये भी काम नहीं आया, और क्योंकि पाकिस्तानी सैनिकों को भारतीय सैनिक उसके कब्जे के इलाकों से खदेड़ रहे थे, तो फिर पाकिस्तान ने भारत से बातचीत का नया शिगुफा छोड़ा, जिसका जवाब पीएम वाजपेयी ने 7 जून 1999 को देश भर को संबोधित करते हुए दिया। उन्होंने कह दिया कि भारत हमेशा बातचीत के लिए तैयार रहता है, लेकिन उस बातचीत का एक मुद्दा होना चाहिए और इन परिस्थितियों में घुसपैठ से ज्यादा कोई संवेदनशील मुद्दा नहीं हो सकता। और फिर जो हुआ वो इससे पहले कभी नहीं हुआ था। 11 जून 1999 को विदेश मंत्री जसवंत सिंह ने संवाददाता सम्मेलन बुलाया और जनरल परवेज मुशर्रफ से जुड़ा एक टेप सुनाया, जिससे साफ हो गया कि पाकिस्तान सैनिकों ने ही भारत में घुसपैठ की हुई है और पूरी दुनिया पाकिस्तान की रणनीति से अवगत हो चुकी थी। जिसके बाद जब पाकिस्तान पर दबाव बढ़ा तो चीन से लौटे तत्कालीन पाक पीएम नवाज शरीफ अमेरिकी दौरे पर जाना चाहते थे, उसकी मदद चाहते थे, लेकिन तत्कालीन राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने साफ लफ्जों में पाकिस्तान को आगाह किया और कह दिया कि आप अमेरिका तभी आए जब भारत से अपने सैनिकों को वापस बुला लें। लेकिन मना करने के बाद भी नवाज शरीफ 4 जुलाई 1999 को अमेरिका पहुंच गए बिना पाकिस्तान की सेना को भारत से वापस बुलाए। और बिल क्लिंटन ने तत्कालीन पाक पीएम के सामने कुछ ऐसी तस्वीरें रखी जिससे खुद नवाज शरीफ भी वाकिफ नहीं थे। वो एटमी हथियारों की तस्वीरें थी जो शरीफ को बिना बताए पाक सेना साथ लिए घूम रही थी, जिसके बाद जो लड़ाई खुद की जमीन को बचाने के लिए भारत लड़ रहा था वो भी संयम के साथ। ये देखकर दुनिया भर में भारत की छवि बहुत अच्छी हो गई। जबकि पाकिस्तान की छवि पूरी दुनिया के सामने खराब हो गई और जो हरकतें लगातार पाकिस्तान की तरफ से भारत पर दबाव बनाने के लिए की जा रही थी, उन सभी हरकतों से वाकिफ विश्व समुदाय ने भी भारत का हिसाब दिया
और पाकिस्तान पर दबाव बनाया। क्लिंटन ने शरीफ को आगाह कर दिया कि पाकिस्तान के पास दो रास्ते हैं, या तो पाकिस्तान अपनी सेना को वापस बुला ले या फिर घुसपैठ से लेकर जारी युद्ध का इल्जाम पूरी तरह खुद पर लेने के लिए तैयार है। और जितना समय नवाज शरीफ को सोचने समझने के लिए मिला, इतनी ही देर में बिल क्लिंटन ने भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को बातचीत का पूरा ब्यौरा देने के लिए फोन किया और सख्त रुख अपनाते हुए वाजपेयी ने कह दिया कि जब तक पाकिस्तान के सैनिकों को उसके कब्जे से अपने क्षेत्र से मुक्त नहीं करा लेते, तब तक भारतीय सैनिक चुप नहीं बैठेंगे। और जब अमेरिकी राष्ट्रपति और नवाज शरीफ के बीच एक बार फिर से मुलाकात हुई तो फैसला हुआ कि पाकिस्तान को भारत के कब्जा क्षेत्रों को छोड़ना होगा। फिर 1999 के मई महीने से लेकर जुलाई महीने तक चली लड़ाई को पाकिस्तान ने 11 साल बाद माना। ये माना कि साल 1999 में उसके 453 सैनिक मारे गए थे, जबकि पाकिस्तान के तत्कालीन पीएम नवाज शरीफ ने माना था कि इस ऑपरेशन में पाकिस्तान के करीब 4000 सैनिक मारे गए। लेकिन कुछ गलत करने के बाद पाकिस्तान ने हमेशा उस गलती को नकारा ही है। अभी पुलवामा हमले के बाद हुई एयर स्ट्राइक को भी पाकिस्तान ने नहीं माना। उससे पहले उरी हमले के बाद पाकिस्तान में घुसकर अंजाम दिए गए सर्जिकल स्ट्राइक को भी पाकिस्तान ने मानने से इनकार कर दिया था, जबकि दुनिया जानती है कि भारत ने दोनों स्ट्राइक्स के जरिए पाकिस्तान को उसी की भाषा में मुंहतोड़ जवाब दिया। आज करगिल युद्ध को हुए पूरे 20 साल हो गए, लेकिन सवाल ये कि आखिर इस युद्ध से पाकिस्तान को क्या हासिल हुआ, और फिर भारत पर सवाल कि क्या एटमी पावर हासिल होने के बाद भारत ये मानने लगा था कि उनके देश को कोई खतरा नहीं, तभी निश्चिंत होकर बैठे थे क्योंकि हमारे देश में कोई 130 स्क्वायर किलोमीटर लंबी घुसपैठ कर जाए और हमें भनक भी न लगे। आखिर चूक कहां हुई? पाकिस्तान के साथ तल्ख रिश्ते होने के बावजूद भी हम पाकिस्तान से कुछ गलत न करने की उम्मीद लगाए कैसे बैठे रहे, जबकि पाकिस्तान तो आजादी के बाद से ही कश्मीर मुद्दे को लेकर भारत से दुश्मनी मोल लिए बैठा है। और आज भी, यानी कि 20 साल बाद भी पाकिस्तान के साथ भारत के रिश्ते जस के तस हैं, उनमें कोई बदलाव नहीं आया है। अब मोदी सरकार के राज में भारत चौकन्ना है और कई दफा पाकिस्तान को ईंट का जवाब पत्थर से दे चुका है। पाकिस्तान का जब से जन्म हुआ है अमेरिका उसकी पीठ थपथपाता रहा है। सचमुच में देश का बंटवारा साम्राज्यवादियों की चाल थी। शीत युद्ध का सहारा लेकर और ये सोच करके पाकिस्तान साम्यवाद के विरुद्ध एक मोर्चा बनेगा, अमेरिका ने उसे शस्त्र दिए, समझौता किया। जब पहला अमेरिका का और पाकिस्तान का समझौता हुआ था तो देश में व्यापक रोष पैदा हुआ था। वो राष्ट्रीय संकल्प को प्रकट करती कविता है, एक नहीं दो नहीं करो 20 समझौते, जो पाकिस्तान से कहा गया है। एक नहीं दो नहीं करो 20 समझौते पर स्वतंत्र भारत का मस्तक नहीं झुकेगा। अगणित बलिदानों से अर्जित यह स्वतंत्रता, अगणित बलिदानों से अर्जित यह स्वतंत्रता, शुश्रेद शोणित से सिंचित यह स्वतंत्रता, त्याग तेज तप बल से रक्षित यह स्वतंत्रता, दुखी मनुजता के हित अर्पित यह स्वतंत्रता। इसे मिटाने की साजिश करने वालों से कह दो चिंगारी का खेल बुरा होता है। इसे मिटाने की साजिश करने वालों से कह दो चिंगारी का खेल बुरा होता है, औरों के घर आग लगाने का जो सपना वह अपने ही घर में सदा खड़ा हो। अपने ही हाथों तुम अपनी कब्र न खोदो, अपने ही हाथों तुम अपनी कब्र न खोदो, अपने पैरों आप कुल्हाड़ी नहीं चलाओ। ओ नादान पड़ोसी अपनी आंखें खोलो, आजादी अनमोल न इसका मोल लगाओ। पर तुम क्या जानो आजादी क्या होती है, पर तुम क्या जानो आजादी क्या होती है, तुम्हें मुफ्त में मिली न कीमत गई चुकाई। अंग्रेजों के बल पर दो टुकड़े पाए हैं, मां को खंडित करते तुमको लाज ना आई।
अमरीकी शस्त्रों से अपनी आजादी को दुनिया में कायम रख लोगे, यह मत समझो। अमरीकी शस्त्रों से अपनी आजादी को दुनिया में कायम रख लोगे, यह मत समझो। 10-20 अरब डॉलर लेकर आने वाली बर्बादी से तुम बच लोगे, ये मत समझो। धमकी जिहाद के नारों से, हथियारों से कश्मीर कभी हथियार लोगे, ये मत समझो। हमलों से, अत्याचारों से, संहारों से भारत का शीश झुका लोगे, ये मत समझो। अमरीकी शस्त्रों से अपनी आजादी को दुनिया में कायम रख लोगे, ये मत समझो। 10-20 अरब डॉलर लेकर आने वाली बर्बादी से तुम बच लोगे, ये मत समझो। धमकी जिहाद के नारों से, अत्याचारों से, धमकी जिहाद के नारों से, हथियारों से कश्मीर कभी हथियार लोगे, ये मत समझो। हमलों से, अत्याचारों से, संहारों से भारत का शीश झुका लोगे, ये मत समझो। जब तक गंगा की धार सिंधु में ज्वार, अग्नि में जलन, सूर्य में तपन शेष, स्वातंत्र समर की वेदी पर अर्पित होंगे अगणित जीवन यौवन अशेष। अमरीका क्या संसार भले ही हो विरुद्ध, कश्मीर पर भारत का ध्वज नहीं झुकेगा। एक नहीं दो नहीं करो 200 समझौते, पर स्वतंत्र भारत का निश्चय नहीं रुकेगा।